Alex, this is Akshay Thakur. Today we are going to start the chapter 8 of class 10th NCERT. इसमें हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इससे पहली वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे थे, उनके प्रूफ देखे थे, तो उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.4 का है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के बताऊंगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो लिख लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करना है आपको। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कोसेक थीटा क्या होता है, इधर मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूं ना, कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, ध्यान से देखिए, कॉट थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। cosec थीटा और cot थीटा की ये दोनों वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए cosec थीटा की जगह पर मैं क्या रख दूं? 1/sin थीटा। इधर से देखिए cot थीटा की जगह पर क्या रख दूं? cos/sin थीटा। cot थीटा की जगह पर cos/sin थीटा। और इधर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इधर आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। दोनों टर्म डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। ऊपर क्या बचेगा? 1/1 एज इट इज है ना, और कॉस का कॉस, और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेट सेपरेट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इधर कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? 1-cos थीटा सेपरेट करूंगा तो होल स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर को सेपरेट करना है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसा कि आपको मालूम है, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1-cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1-cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1-cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाले की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1-cos स्क्वायर थीटा। 1-cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 को मैं स्क्वायर बना लूं तो बन ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, अब ये फॉर्म आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? a² - b² तो a² - b² क्या होता है? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। ऐसे ही हम इसको क्या लिख देंगे? एक बार माइनस में, ऊपर वाले से कुछ नहीं करना अपन को, नीचे वाले को एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे? प्लस में लिख देंगे। अब देखिए आपके सामने आंसर आ गया, जो हमको लाना था वो आ गया। कैसे आ गया भैया? अभी तो ये इतना है, हमको तो इतना लाना है। अरे देखिए इधर क्या है? 1-cos थीटा का होल स्क्वायर है, इधर 1-cos थीटा है, एक से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1-cos थीटा बचेगा। ये देखिए ये बचा ना, और नीचे क्या बचा? 1+cos थीटा। और देखिए यही तो लाना था, तो ये क्या रहा हमारा? राइट हैंड साइड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? 1+sec a / sec a। ठीक है, इक्वल साइन स्क्वायर a / 1-cos a। अब इस क्वेश्चन को हमको LHS और RHS से सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, हमको क्या करना है? LHS एंड RHS सेपरेटली इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? LHS। LHS क्या है? 1+sec a / sec a। ठीक है, ये मैंने LHS लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसमें सेपरेट करना है, 1/sec a करना है, डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से sec a के / sec a आ जाएगा। अब जैसा कि आपको मालूम है 1/sec a क्या होता है? 1/sec a cos a प्लस sec से sec दोनों सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और कैंसिल हो जाएंगे क्या बचेगा? 1। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं उसको? 1। तो LHS से वैल्यू क्या आई है? cos a + 1। LHS से वैल्यू क्या आई है? cos a + 1। इसी तरीके से मैं RHS सॉल्व करूं, सबसे पहले RHS लिखूंगा मैं। RHS क्या है? sin square a / 1-cos
कॉस है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख दूंगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, वन माइनस कॉस है, ठीक है। अब इसको बाद वन को मैं स्क्वायर कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इधर से ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इधर से मैं लिख सकता हूं उसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में और अपॉन में एज इट इज रहेगा, है ना, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन प्लस कॉस ए, क्या बचेगा, वन प्लस कॉस ए, और वन प्लस कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए प्लस वन, क्या लिख सकता हूं, कॉस ए प्लस वन। तो देखिए इधर से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया है, कॉस ए प्लस वन, और राइट हैंड साइड में क्या आया है, कॉस ए प्लस वन, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके सामने, ये मैंने सेवन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा, हमको टेन थीटा प्रूव करना है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमको क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं न्यूमरेटर से कॉमन क्या निकाल सकता हूं, ऊपर वाले में कॉमन साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, तो दोनों से मैं साइन थीटा कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, मैंने निकाल लिया साइन थीटा कॉमन, तो ये साइन थीटा पूरा बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, बन, क्या बचेगा, बन, तो ये टू का टू, इधर साइन कितने थे, थ्री, एक बाहर चला गया तो कितने बचेंगे, टू बचेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम सिमिलरली नीचे से हमको सेम क्या लग रहा है, कॉस, तो कॉस निकाल लेंगे, है ना, कितने थे कॉस, थ्री, तो बचेंगे कितने, टू, कॉमन निकालेंगे तो इधर ये पूरा कॉस निकल गया, तो क्या बचा, वन बचा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, ये साइन अपॉन कॉस तो आ गया, मतलब एक टेन के फॉर्म में तो आ गया जो हमको प्रूव करना है, तो ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, तो कैंसिल कब होंगे, जब ये दोनों क्या बनेंगे, सेम, तो हमको अब सेम बनाना है ना। तो जैसा कि आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो मैं लिखता हूं ब्रैकेट में लिखना होगा, है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा ना इधर, उस अपॉन में कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है, अब देखिए टू का मैं वन में इंटू करूंगा टू हो जाएगा, ठीक है, फिर टू का इसमें इंटू करूंगा टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं करता हूं इधर, ये एज इट इज लिखना है सब, साइन थीटा ब्रैकेट वन माइनस टू का वन में करेंगे टू हो जाएगा, है ना, ये माइनस का माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टू का कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा है, और इसको एज इट इज लिखना है ना, इससे कुछ नहीं करना अपन को। अब देखिए इधर वन में से मैं टू माइनस करूंगा, होगा नहीं, लेकिन टू में से वन होगा माइनस तो कितना आएगा, वन आएगा, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो इधर अपन क्या जाएगा, ये माइनस बना जाएगा, है ना, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको पहले लिख दे रहा हूं, इसको बाद में, ये इसको पहले लिख दिया मैंने टू कॉस स्क्वायर थीटा को, बाद में क्या लिख दे रहा हूं, माइनस वन, देखो सेम बन गया ना, और नीचे वाले को एज इट इज, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, और टेन ही हमको लाना था, ये हमारा रहा राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए हम करते हैं, और फोर क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड दिया है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो आप एज इट इज लिखिए, फिर प्लस का प्लस, है ना, फिर ये भी एज इट इज लिखिए कॉस ए प्लस
सेट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको जैसा का तैसा लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ध्यान से, ये आपको किस फॉर्म में लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लिख दे रहा हूं, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहां पर ए का काम कौन करेगा, साइन ए, और बी का काम कौन करेगा, कॉस ए, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू ए की जगह पर साइन ए और बी की जगह पर कॉस ए, ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलरली हम इसको भी करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा देखिए, ए स्क्वायर, ए इधर कॉस है और बी सेक है, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इधर ही लिख दे रहा हूं मैं, प्लस टू ए बी, ठीक है, ऐसा करना है हमको। अब क्या करना है हमको नेक्स्ट स्टेप में, देखिए अब जैसे कि आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सिमिलरली हम सेकंड आइडेंटिटी देखेंगे क्या होती है, sec स्क्वायर a इक्वल क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है ना। और इसी प्रकार से थर्ड आइडेंटिटी देखेंगे हम, cosec स्क्वायर a इक्वल क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में जमा लीजिए पहले, तो इधर sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a कहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसको मैं इधर इसके साइड में लिख दूंगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, ये बचा प्लस कॉस एक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद लिखिए आप सेक स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए, और प्लस ये लिखिए आप टू साइन ए और कॉस एक ए प्लस, और ये लिखिए आप टू कॉस ए और सेक ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इधर कुछ फॉर्मूले को लिख रहा हूं, जैसे साइन ए इंटू कॉस एक ए हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, है ना। और इसी प्रकार से अगर cos a इंटू sec a हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। ये वन कैसे होती है, क्योंकि ये sec क्या होता है, वन अपॉन cos, और cos से cos कैंसिल होकर क्या बचता है, वन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कितनी रख देंगे इधर से, हम देखिए वन, इसकी वैल्यू मैं कितनी रख दे रहा हूं, वन प्लस, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे थर्ड आइडेंटिटी से, देखिए वन प्लस cot स्क्वायर a, मैं क्या रख दे रहा हूं, वन प्लस cot स्क्वायर a, है ना। अब इसकी वैल्यू देखिए सेकेंड आइडेंटिटी से क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 का 2, है ना, ये इधर साइड अलग है, ये पूरी टर्म 2 का 2, और ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस ये 2 का 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। अब देखिए ये 2 बन जाए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इधर भी ये 2 बन जाए 2 हो जाएगा, है ना। अब सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, तो ये 7 हो जाएगा, प्लस 10 को पहले लिखिए आप, फिर उसके बाद क्या लिखिए, cot को। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, ये देखिए ये हमने प्रूव कर दिया है, ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं, अब इससे आने वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।